आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा यूनिट टू ऑपरेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, उसमें पहला जो चैप्टर रहेगा हमारा, पहला घटक एडिशन। अब एडिशन के ऊपर में स्कॉलरशिप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आपको लगता है कि आपको एडिशन आता है तो जो भी क्वेश्चन रहता है तो आप क्या करते हो, उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हो, पूरा आंसर लेते हो क्योंकि वो क्वेश्चन आपको आता है। बट यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, जहाँ पे जरूरत पड़े कि पूरा एडिशन करना है वही पे आपको पूरा एडिशन करना है, नहीं तो आपको आंसर निकालने से मतलब रखना है। आपको आंसर मिल गया, छोड़ दीजिए उसे। अब वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन में इफ यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 2,75,463 एंड यहाँ पे प्लस करना, ठीक है, विच सेम डिजिट शुड बी इन द बॉक्स। ठीक है, ये जो बॉक्स है इनमें क्या होगा, सेम डिजिट आएगा, तो कौन सा डिजिट यहाँ पे आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे इसका तरीका समझ लेते हैं। यहाँ पे 3 दिया है, 3 में क्या प्लस करें तो 1 आएगा, 3 में क्या प्लस करें तो 1 आएगा, 3 में अगर 0 प्लस करते हैं तो 1 आएगा क्या, नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं है। फिर 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। फिर 3 में 6 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, तो ये तीसरा ऑप्शन भी नहीं है। जब पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, तो फिर क्या रहेगा, चौथा हमारा राइट रहेगा। अब मुझे यहाँ पे 8 लिख के इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। काफी सारे बच्चे यही गलती करते कि आपको यहाँ पे आंसर मिल गया, यहाँ पे 8 आ रहा है, 3 + 8 = 11 हो रहा है, यहाँ पे वो आंसर लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे कैरी कर रहे हैं, इसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको यहाँ पे आंसर मिल गया है तो आपको आगे जाना है, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पेपर में लिमिटेड टाइम दिया गया है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आप इन टॉपिक से आप ले सकते हो। जैसे इसे देखेंगे, अंडर पोलियो रेडिकेशन कैंपेन 2012 की बात हो रही है, इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट 3,17,528 चिल्ड्रन वेयर वैक्सीनेशन एंड अमरावती डिस्ट्रिक्ट 2,04,537 चिल्ड्रन वेयर वैक्सीनेटेड, हाउ मेनी चिल्ड्रन वेयर वैक्सीनेटेड इन ऑल। ठीक है, तो कितने बच्चों को वैक्सीन लगाया गया ये क्वेश्चन में पूछा गया है। नागपुर डिस्ट्रिक्ट में दिया है 3,17,528 एंड अमरावती डिस्ट्रिक्ट में दिया है 2,04,573। अब क्या करेंगे बच्चे, क्या करते हैं, गलती कहाँ होती है और टाइम कहाँ लगता है कि उनको लगता है कि इसे प्लस करना है, इसे प्लस करना है, तो इसे लिखेंगे अच्छे से, फिर उसको प्लस करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे, फिर मैच करेंगे। यहाँ पे हमारा 1 से 1.5 मिनट टाइम चले गया। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सिंपली देख लेना है कि ऑप्शन किस टाइप से आया हुआ है। सबसे पहले देखो ऑप्शन में, देखो यहाँ पे सेम ऑप्शन आया है, सामने की डिजिट क्या है, सेम है, इसका मतलब चेंज कहाँ होगा, पीछे ही चेंज होगा, यहाँ पे ही चेंज हुआ है, बाकी कहीं पे चेंज नहीं हुआ है। तो हमें ये पूरा क्यों सॉल्व करें, हम पीछे का ही सॉल्व कर लेना। तो देखेंगे यूनिट प्लस पे क्या है, 8 है, और यहाँ पे क्या है, 7 है। 8 + 7 कितना होता है, 15 होता है, तो आप 5 लिख लीजिए। अब 5 देखो किसके यूनिट प्लेस पे, यहाँ है क्या, है यहाँ है, यहाँ है नहीं है, इसे कट कर देंगे क्योंकि हमारा आंसर नहीं होगा, यहाँ पे है। फिर देखेंगे इसके टेंस प्लेस पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 2 + 3 कितना होगा, 5, और कैरी 1 है ना, कितना हो गया, 6। अब टेंस प्लेस पे देखेंगे यहाँ पे क्या है, 0 है, ये हमारा आंसर होगा क्या, नहीं होगा, यहाँ पे क्या है, 6 है, यहाँ पे क्या है, 0 है, ये हमारा आंसर होगा क्या, नहीं। जब ये तीनों ही हमारे आंसर नहीं, तो हम इसे राइट कर देंगे, इसको पूरा प्लस नहीं करेंगे, ये हमें देखना है। यही तरीका होता है स्कॉलरशिप एग्जाम में कि आप फटाफट क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में, आपको आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें टाइम पूरा दो, आपको आंसर निकाल के आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सामने, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया था,
इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो नंबर के प्लेस पे यहाँ पे अल्फाबेट दिया हुआ है, विच डिजिट विल देयर बी फॉर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर्स के प्लेस पे अल्फाबेट है, यहाँ पे कौन से नंबर होंगे वो हमें पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? कि ये जो अल्फाबेट्स है उनके प्लेस पे ये नंबर्स है, तो कौन से नंबर होंगे, तो इनकी वैल्यू पुट अप करना है। तो रिस्पेक्टिव यानी जो क्रमानुसार, ठीक है, कि x की वैल्यू अगर यहाँ पे 4 होगी, अगर इसके हिसाब से क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, इसकी y की वैल्यू 3 होगी और z की वैल्यू क्या हो जाएंगी 0 हो जाएगी पहला वाले ऑप्शन के हिसाब से। दूसरे वाले ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएंगी, x की वैल्यू 2 हो जाएंगी, y की वैल्यू 4 हो जाएगी और z की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो नंबर है प्लस में क्या हो रहा है, कि सारे नंबर सेम आएंगे, जैसे इसे प्लस करते हैं तो प्लस करने पे ये क्या नंबर क्या है सेम आएंगे। तो ऐसा क्या करें, जेड के साथ में वाई को प्लस करें कि वाई आएगा, जेड में वाई को प्लस करेंगे कि वाई आएगा। तो सिर्फ कब होता है, जब जीरो में हम किसी नंबर को प्लस करते हैं तो वही नंबर आता है। जैसे तो ये जेड की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तब हम वाई को प्लस करेंगे तो वाई आएगा। समझ में आ रहा है? तो जेड की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो पहले वाले ऑप्शन में जीरो है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें है। आ रही बात समझ में, कि जेड में हम वाई को प्लस करेंगे तो वाई आएगा। तब यहाँ इसके हिसाब से वाई की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, है ना। तो अगर हम लोग प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, y plus z 3 आएगा। पर यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे फिर 4 हो जाएगी। तो 4 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पर यहाँ पे कितना है, 3 है ना y, तो ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ऑप्शन नहीं है, तो फिर ये हमारा आंसर राइट रहेगा। अब इसे चेक नहीं भी करेंगे तो भी हमारा आंसर राइट है, क्योंकि हमने ऑप्शन कट कर दिए कि हमारा पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, ठीक है। अब चौथा वाला आंसर हमारा राइट है। कैसे देख लेते हैं, जीरो में प्लस क्या करेंगे, वाई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, वाई जेड और एक्स, वाई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 8 हो जाएगी। तो 0 प्लस 8 करेंगे तो कितना होगा, 8 ही होगा। यहाँ पे भी 8 होगा, यहाँ पे भी 8 होगा, और यहाँ पे 4 की वैल्यू क्या है, x है ना, x इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 प्लस 4 8 आ रहा है सेम, तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन देखो, विच नंबर्स विल ऑकर इन प्लेस ऑफ, यहाँ पे दिया स्टार स्क्वायर एंड ट्रायंगल, इनके प्लेस पे कौन से नंबर आएंगे वो हमें फाइंड आउट करना ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे इसे समझ लेते हैं। जो क्वेश्चन है काफी सिंपल है, बस देखने में हमें थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और ऐसा लगता है कि हमसे सॉल्व होगा कि नहीं होगा। बस एक तरीका समझ लो कि कैसे सॉल्व होगा। ये वाले यहाँ पे हमें माइनस करना है और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमने क्या लॉजिक लगाना है कि ये जो स्क्वायर है, ये जो बॉक्स है, इसमें से हम जब 3 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। तो हमें ये लॉजिक लगाना है कि कितने में से हम माइनस 3 करें कि आंसर 4 आएगा। तो हमें सिंपल पता है, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आएगा, यानी इस बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। अब ये जो बॉक्स है ये मिडल में है, कहाँ पे है, मिडल में। तो मिडल में क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 है मिडल में, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन नहीं होगा, और यहाँ पे भी नहीं है तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हमें बॉक्स की वैल्यू पता चल गई, ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ओके। अब ट्रायंगल में से -2 करें कि आंसर 7 आए, तो कितने में से हम -2 करें कि आंसर 7 आएगा, तो कितने में से करेंगे, 9 में से -2 करेंगे तो आंसर 7 आएगा।
अब ट्रायंगल की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 9। तो 9 जो है ये लास्ट में है, 9 कहाँ है, लास्ट में है। तो देखेंगे लास्ट में यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। अब ये सेकेंड नहीं है, थर्ड नहीं है और फोर्थ नहीं है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा राइट है।